Say hi. Hi. Assalamu alaikum. So welcome to my channel. So this is the fourth video of the series Life in the UK as an international student. मैंने आपको अनाउंस किया था कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इट विल बी अबाउट इंटरव्यू टिप्स. सो एंड देयर इज़ वन लाइफ अपडेट एज वेल जो मैं आपको देना चाहती हूँ. मैंने आपको अपनी प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मेरा एक इंटरव्यू हुआ है एंड अपडेट इज़ दैट आई गॉट अ जॉब. इट्स अ पार्ट टाइम जॉब बट एग्ज़ाम ऑफिसर की है. बहुत अच्छी कंपनी में मुझे जॉब मिली है. थर्सडे को मुझे मॉर्निंग में कॉल आई एंड दे इन्फॉर्म मी दैट दे रियली लाइक माई इंटरव्यू एंड दे वॉन्ट मी टू जॉइन देयर टीम. सो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड क्योंकि मैं अब आई एम क्वाइट फ्लेक्सीबल विद माई रूटीन. अब मेरी यूनिवर्सिटी फिजिकल नहीं क्लासेस. आई एम गोइंग टू डू माई डिजर्टेशन. सो मैं कुछ ऐसा देख रही थी जो मुझे आगे फ्यूचर में भी काम आए. इट्स नॉट जस्ट यू आर अर्निंग मनी, आपने आगे अपने करियर वाइज भी सोचना होता है. सो मैंने अप्लाई काफ़ी जगह पर किया था एंड मुझे वहाँ जब इंटरव्यू हुआ तो दे रियली लाइक माई मी and how I performed in the interview. So उन्होंने मुझे offer कर दी है and it's much better than the pharmacy one. So मैंने कैसे ये achieve की चीज़ and how I nailed that interview, I will tell you those tips in this video. So stay tuned. आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा background change किया क्योंकि मुझे पता है quite boring हो जाती है video to listen. I thought कि मुझे थोड़ा सा change करना चाहिए अपनी videos में. So we are just आज संडे है तो we are all out for to be in the park. बच्चे वगैरह they are all enjoying. So weather update ये है कि it's a sunny weather and less cloud, no wind. Yeah, weather is very nice, pleasant to go out. So पीछे काफ़ी शोर हो रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर लूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझे इंटरव्यू की कॉल आई थी देन दे सेट कि हम आपको ईमेल करेंगे सारी डिटेल्स, आपका टाइम, डेट वगैरह सब चीज़ें. सो यूके में क्या करते हैं कि वो आपको ईमेल में और इवन एनी वेयर इन द वर्ल्ड आपको ईमेल में सारी डिटेल्स देते हैं कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपने कर व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एंड व्हाट देयर कंपनी इज़. ये होता है कि फिर आप मैंने क्या किया क्योंकि मेरा वन वीक था मेरे पास टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. मैंने अप्लाई तो काफ़ी टाइम का किया हुआ था बट देन आई जब मुझे कॉल आई तो उस वक्त ये है कि काफ़ी टाइम हो चुका था एंड आई फॉरगॉट क्या पोजिशन थी और क्या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी. सो जब मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन देखी तो मुझे मुझे सारा ऑब्वियसली आइडिया हो गया कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी. सबसे पहले प्रो टिप, जब आपको खबर आती है इंटरव्यू की तो आपने क्या करना होता है, आपने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है और आपने ये देखना होता है कि ऑब्वियसली जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो व्हाट दैट इंटरव्यूअर वांट टू सी इन यू. जॉब डिस्क्रिप्शन को आपने असेस, अब ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि जैसे अच्छा मैंने इस पोस्ट के लिए जॉब के ऊपर अप्लाई किया था बट मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है उस जॉब का. तो वट आई स्टार्टेड डूइंग हेयर और क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ भी देखी थी यूट्यूब पे तो लोग बताते हैं कि हाउ यू कैन टेलर योर CV अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन. वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था. सो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन भी पेस्ट करती हूँ ChatGPT पर और मैं अपनी जो मेरा CV है उस पेस्ट करती हूँ और मैं ChatGPT को कमांड देती हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर दिस पोजिशन इफ़ यू हैव दिस वर्क एक्सपीरियंस और समथिंग, इस तरह करके लिखती हूँ मैं, उसको प्रॉम्प्ट करती हूँ. तो ChatGPT इज़ सो हेल्पफुल मुझे, इसने हर लाइक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक्चुअली. पहले लोगों के पास कोई गाइडेंस नहीं होती थी हाउ टू प्रजेंट योर सेल्फ इन इंटरव्यूज. ChatGPT ने मुझे एक एक चीज़ मेरी जो मेरा जितना भी थोड़ा बहुत जो भी एक्सपीरियंस था उसको उसने मेरी जो न्यू जॉब जिसके लिए मेरा इंटरव्यू उसके साथ अलाइन किया. तो उसने मुझे इस तरह गाइड किया कि उसने मेरी हर एक जैसे मेरी डिग्री है उसको, मेरी जो भी थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस है उसको, उसकी एग्जांपल्स दी कि अच्छा इफ़ दे आर लुकिंग फॉर अ गुड पर्सन हु हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल फॉर एग्जांपल, तो तुम अपनी जो मेरा वर्क पास्ट वर्क एक्सपीरियंस है चाहे वो जितना भी टाइम का हो, थोड़ा हो, इवन आपका कोई पार्ट टाइम जैसे हमारा कस्टमर सर्विस का किसी रिटेल में भी हो, तो वो आपको बताते हैं कि आप कैसे इसको लाइक
हाउ यू कैन प्रेजेंट दिस थिंग. सो व्हाट आई डिड, मैंने फिर उनको बताया, मेरा जो उसने मुझे गाइड किया उसमें ये था कि क्योंकि मैं लॉयड्स फार्मेसी में करती थी, तो क्योंकि वो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट था एंड इफ अ पर्सन हैज़ अ गुड कम्युनिकेशन स्किल तो वो ही सर्वाइव कर सकता है. तो मैंने उसने मुझे ये बताया कि यू शुड यूज़ दैट एक्सपीरियंस. और आप एग्जांपल दो दैट इन माय प्रीवियस जॉब मैंने इस तरह करके अपने आप को, मेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल थी, कस्टमर्स वर वेरी सेटिस्फाइड. इफ़ यू आस्क माय प्रीवियस एम्प्लॉयर दे विल टेल यू के मेरा जो मेरे कितने अच्छे स्किल्स थे, उसकी वजह से हमारा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट था वो इंक्रीज़ हो गया. इस तरह करके उसने मुझे बताया. तो इसी तरह जॉब डिस्क्रिप्शन में ये था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए. तो मुझे चैट जीपीटी ने गाइड किया कि अच्छा यू कैन यूज़ योर, व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान आई वाज वर्किंग इन एन इंटरनेशनल स्कूल, तो उसने कहा, और मैं टीचिंग नहीं करती थी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में थी, तो मैं उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा अब क्योंकि यू आर इन एडमिनिस्ट्रेशन तो तुम्हारा पेरेंट्स के साथ भी डीलिंग होती है, अक्सर उनकी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, देन यू हैव टू ऑब्वियसली यू आर द फर्स्ट पर्सन जो आप डील करते हो. मैंने उसने मुझे ये कहा कि अच्छा अगर ऐसी है तो तुम इस तरह करो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ऑब्वियसली कोई पेरेंट फंसी था एंड यू आर सो गुड विद डीलिंग दैट पेरेंट, आपने उसको उसको हैप्पी कर दिया था बाय सॉल्विंग एनी यू नो क्वेरी जो उसको थी. तो इस तरह करके ना उसने बहुत सारी, ऑब्वियसली आप सबके अपना डिफरेंट होता है, हर किसी का एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड डिग्री, तो उसके रिलेटेड ना वो आपको प्रॉम्प्ट कर देता है. मेरे कहने का मतलब है कि आपकी ऑब्वियसली सिचुएशन हर किसी की डिफरेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चैट जीपीटी हेल्प करता है. फिर ये है कि इस तरह मैंने फिर वो एक दो दिन लगा के सही तैयारी की उसकी. मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन को डिटेल में पढ़ा, समझा कि व्हाट दे विल बी आस्क मी एंड मैंने उसको फिर रिस्पॉन्स कैसे करना है. इसके अलावा द सेकेंड प्रो टिप इज़, आप जब भी अपने इंटरव्यू पे जाते हैं यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट. कभी भी बगैर तैयार हुए हुए, ड्रेसअप हुए हुए आपने नहीं जाना. इसका रीज़न ये है कि जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो एम्प्लॉयर को फर्स्ट इंप्रेशन आता है कि अच्छा ये बंदा ही वॉज सो और शी वॉज सो इंटरेस्टेड इन हैविंग दिस जॉब कि वो उसने अपना टाइम एफर्ट डाली है, शी गॉट रेडी, अपनी वो तैयारी से आई है पूरी. और इसी तरह नहीं कि अच्छा कहीं जा रही थी तो टाइम निकाल के इधर आके इंटरव्यू देने आ गई है. तो आपने अपने आप को वेल प्रेजेंटेबल दिखाना है, आपने उनको बताना है कि यू आर कीन टू गेट दिस जॉब. उसके लिए फिर आपने जो है अपना फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है, आपने रेगुलर ड्रेसिंग नहीं करनी, रेगुलर जीन्स ट्राउजर्स और मे बी स्नीकर्स इस तरह नहीं करना. फॉर बॉयज़ उनका ये है कि दे शुड वेयर प्रॉपर फॉर्मल जो उनका सूट होता है विद कोट एंड एवरीथिंग फुल, आपके हेयर स्टाइल जो प्रॉपर आपने उसको बना कर जाना है, आपकी बियर्ड जो प्रॉपर होनी चाहिए बनी हुई, मैसी होकर नहीं जाना, अपनी जो कोई डॉक्यूमेंट्स अगर उन्होंने कहा है तो प्रॉपर फाइल्स में लेकर जाएं. और इसी तरह गर्ल्स का भी ये है कि यू शुड लुक फॉर्मल, अपनी हील्स पहन कर जाएं अगर आप पहन सकते हैं, अगर आप हाइटेड हैं तो क्लोज शूज़ पहने, खुले जूते ना पहने, इट लुक सो बैड, बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है. सो अपना ना अपने, ऑब्वियसली हर किसी का ड्रेसिंग स्टाइल डिफरेंट होता है बट उसके अकॉर्डिंगली अपने फॉर्मल तैयार होकर जाना है. टिप नंबर थ्री, आपने अपनी जब भी जिस कंपनी के लिए आपका इंटरव्यू है आपने उस कंपनी का डिटेल में स्टडी करना है. इंटरनेट पे आप देखें CSR एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में आप रिसर्च करें, आप देखें कि उनका क्या फंक्शंस हैं, वो किस तरह वर्क करते हैं, व्हाट दे आर डूइंग गुड, आपने सही डिटेल उसकी रिसर्च करनी है. आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनी है वो करती क्या है, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे उन्होंने पूछा था कि डू यू नो दैट व्हाट आवर कंपनी डू. आई न्यू दैट बिकॉज मैंने उसकी सारी रिसर्च की थी कि कंपनी करती क्या है, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट्स देयर मिशन एंड विजन. तो मैंने उनको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. मैंने आई टोल्ड देम कि मैं आई वॉज फॉलोइंग दिस कंपनी सिंस क्वाइट लॉन्ग टाइम और मुझे पता है कि व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर डूइंग वेरी गुड थिंग. और मैंने उनकी जो CSR की एक्टिविटीज़ हैं थोड़ी सी मैंने उनके बारे में भी डिस्कस किया कि अच्छा दे आर डूइंग गुड फॉर द कम्युनिटी एज वेल और सब चीज़ें. सो द इंटरव्यूअर वॉज क्वाइट इम्प्रेस के अच्छा इस बंदी ने भाई पढ़ा है, उसके बारे में प्रिपेयर किया है, शी नो कि जिस कंपनी के लिए वो आ रही है उसको पता है कि व्हाट द कंपनी डू. उसके अलावा फिर ये है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि
अच्छा आप बताएं कि उन्होंने मुझे सिनेरियोस पूछे, व्हाट चैट जीपीटी हेल्प मी विद. उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा एक फसी कस्टमर आता है या पेरेंट आता है तो आप कैसे उसको डील करोगी. तो मैंने कहा मैंने अपनी लाइफ में बड़े इस तरह के देखे हैं पेरेंट्स और ये सब चीज़ें ना. तो वो कहती है कि नहीं, वी नीड टू हेयर अ स्टोरी. सो क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि ऑब्वियसली आपको किसी चीज़ से रेलिवेंट एग्जांपल देनी पड़ती है, तो फिर मैंने ऐसे ही एक स्टोरी जो है प्रीवियस मेरी वर्क प्लेस पर हुई थी वो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन की. तो शी वाज क्वाइट हैप्पी. ऑल्सो आई कन्विंस्ड हर कि मेरे ये स्किल्स हैं, मैं आई एम गुड एट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, जो टाइम जो आपके टारगेट्स होते हैं उसको मीट करने में, एंड थोड़ा सा मैंने एग्जांपल अपने पास्ट एक्सपीरियंस और सब चीज़ों का दिया. तो द इंटरव्यू वाज क्वाइट हैप्पी. और मुझे लग रहा था कि मुझे इंटरव्यू के बाद मुझे पता चल गया था कि आई डिड गुड. आई वॉज होपिंग टू रिसीव अ कॉल एक्चुअली. दूसरा ये कि लास्ट में उसने मुझे पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस. मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमेशा शुड आस्क कि हाउ वाज माय इंटरव्यू. सो मैंने फिर ऑब्वियसली मैंने वही ट्राई किया. मैंने कहा चलो यार ट्राई करने में क्या है. तो देन आई सेड, शी सेड कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस. सो आई सेड यस आई हैव अ क्वेश्चन, इफ़ यू कैन टेल मी हाउ वाज माय इंटरव्यू. सो शी द बोथ ऑफ द इंटरव्यूज दे लाफ्ड एंड they were like we will tell you and hamara abhi hamare ke we are interviewing people, we will give you an update or feedback in the till the end of the week or something. maine thoda sa aapke sath apna experience share kiya. maine kaha aapko bataun ki how my interview went aur maine kya cheeze use ki, kya 3 tips hain jo maine follow ki internet ke through dekh kar aur ChatGPT ki help se जिन्होंने मुझे हेल्प की टू गेट इन दिस जॉब. और आई होप कि ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी. इन केस अगर किसी का भी इंटरव्यू होने वाला है अभी स्केड्यूल है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत हेल्पफुल था ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने रिसर्च की थी इंटरनेट पर कि हाउ टू नेल एन इंटरव्यू एंड आई डिड. सो आई होप यू गाइज विल ट्राई दीज टिप्स इन योर अपकमिंग इंटरव्यूज़. अपनी CV को पहले आपने अच्छा उसकी फॉर्मेटिंग करनी है ताकि आपको इंटरव्यू की कॉल्स आएँ. एक बार आपको कॉल आ गई है देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट एंड आपने वो जॉब लेकर ही छोड़नी है. आई होप मैंने जितनी मैं चाह रही थी करना एक्सप्लेन उस तरह से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा. आई एम नॉट गुड विद एक्सप्लेनिंग थिंग्स बट ये आई ट्राइड. सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल. सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट. और किसी भी उस तरह के बंदे के साथ जिसका इंटरव्यू होने वाला है उसके साथ शेयर करें सो दैट दे कैन गेट एनी हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.